सभी जानते हैं कि ऐसी कई हस्तियां हैं जिन्होंने अपने जीवन में काफी संघर्ष किया है। वहीं बात की जाए बीटाउन की, तो बीटाउन की दुनिया में ऐसे तमाम सितारे हैं जो कि इस मुकाम पर पहुंचने के लिए काफी संघर्षों से गुजर चुके हैं। जी हाँ, इन सितारों ने काफी स्ट्रगल किया है। वहीं बात की जाए इनकी रियल लाइफ की, तो इनकी रियल लाइफ किसी की रॉयल फैमिली से बिलोंग करती हुई रही है, तो किसी की लाइफ काफी ही गरीबी से गुजरती हुई रही है। और ऐसे ही बॉलीवुड में कई तमाम स्टार्स हैं जिनकी लाइफ बेहद ही बुरी रही है। जी हाँ, दुखों को पार करते हुए ये बॉलीवुड स्टार्स आज उस मुकाम पर पहुंच गए हैं जिनकी शायद उन्हें उम्मीद ही नहीं थी। और ऐसे ही एक और सुपरस्टार हैं जिनके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं आज की इस रिपोर्ट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़, और मैं हूं आपकी होस्ट प्रांशी राठौर। दर्शकों, आज की इस रिपोर्ट में हम उस सुपरस्टार की बात करेंगे जिनको बॉलीवुड में बेहद ही अच्छे से जाना जाता है। जी हाँ, ये सुपरस्टार बहुत ही पॉपुलर हैं बॉलीवुड में। बता दें आपको कि जिस सुपरस्टार की हम बात कर रहे हैं उनका नाम है जैकी श्रॉफ। जी हाँ, जैकी श्रॉफ बॉलीवुड के एक ऐसे स्टार हैं जिनके बारे में हर कोई जानता है, और अब तक ये बॉलीवुड में एक्टिव भी हैं। बता दें आपको कि जैकी श्रॉफ की उम्र हो चुकी है 62 साल, और ऐसे में ये अभी तक बॉलीवुड में अपना लोहा मनवा रहे हैं। जी हाँ, जैकी श्रॉफ की ऐसी कई फिल्में हैं जिनके जरिए वो अभी भी बॉलीवुड में नजर आते रहते हैं। जहाँ एक ओर उनके बेटे टाइगर श्रॉफ नजर आते हैं, तो वहीं ऐसे में जैकी श्रॉफ भी इंडस्ट्री में अपनी धाक छोड़े हुए हैं। वहीं आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे जैकी श्रॉफ के उन दिनों के बारे में जो कि बेहद ही दुख भरे रहे थे। जी हाँ, जैकी श्रॉफ भी गरीबी में जिए थे, और वो कैसे इस मुकाम तक पहुँचे थे, कैसे उन्होंने हासिल किया था इस मुकाम को। वैसे कहा जाता है कि जैकी श्रॉफ ने बचपन में ऐसे कई काम किए थे जो शायद ही हर कोई नहीं जानता है। इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताएंगे जैकी श्रॉफ ने आखिरकार बचपन में कौन कौन से काम किए। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि कैसे वो इस मुकाम तक पहुंचे थे और वो क्या क्या करते थे, कैसे उन्होंने गरीबी को झेला था। वहीं जानकारी के लिए आपको बता दें कि उनकी माँ तुर्किस्तान की थी और उनके पिता थे गुजरात के, और उनके पिता ने ही भविष्यवाणी की थी कि जैकी श्रॉफ आगे चल के एक बड़े सुपरस्टार बनेंगे। और वाकई में जैकी श्रॉफ आज एक बड़े सुपरस्टार है, उनको बड़े सुपरस्टार की लिस्ट में गिना जाता है। तो चलिए बताते हैं आपको जैकी श्रॉफ की इन जिंदगी के बारे में कि कैसे शुरुआत की थी उन्होंने अपनी इस खूबसूरत जिंदगी की। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बॉलीवुड में ऐसे तमाम स्टार्स हैं जो कि अपने संघर्ष के लिए जाने जाते हैं। जी हाँ, इस मुकाम तक पहुंचने के लिए बॉलीवुड स्टार्स काफ़ी मेहनत करते नज़र आते हैं, और ऐसे में वो कई हद तक गुजर जाते हैं इस मुकाम को पाने के लिए। वहीं इन स्टार्स में से एक है जैकी श्रॉफ। जी हाँ, जैकी श्रॉफ एक ऐसा नाम है जो कि बॉलीवुड में अभी तक एक्टिव है। बात की जाए जैकी श्रॉफ की एक्टिंग की, तो वाकई में उन्होंने बॉलीवुड में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा लिया है, और वो एक ऐसे ही मेहनती स्टार्स में काउंट किए जाते हैं। वहीं आज हम जैकी श्रॉफ से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें आपको बताने जा रहे हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि जैकी श्रॉफ 62 साल के हो चुके हैं, और ऐसे में वो फिर भी एक्टिव हैं बॉलीवुड में। बता दें आपको कि जैकी श्रॉफ बेहद ही सिंपल हैं, लेकिन फिर भी अपनी एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं। जैकी श्रॉफ का बचपन बेहद ही दुख भरा रहा है। बता दें आपको कि जैकी श्रॉफ का असली नाम है जयकिशन काकूभाई श्रॉफ, लेकिन बचपन में ही उनके पिता ने भविष्यवाणी कर दी थी। जी हाँ, उनके पिता ने उनके लिए भविष्यवाणी की थी कि ये आगे चल के एक बड़ा सुपरस्टार बनने वाला है। वही जानकारी के लिए आपको बता दें कि उनके पिता गुजरात के थे और माँ तुर्किस्तान की थी, और ऐसे में जैकी मुंबई में ही मालावार हिल में रहा करते थे, जहाँ पर वो एक चोल में रहते थे। जी हाँ, चोल के रहने वाले जैकी श्रॉफ आज एक बॉलीवुड का महान सितारा है। बता दें कि जैकी श्रॉफ ने अपने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि उनकी जिंदगी काफी दुख भरी रही थी। जैकी श्रॉफ बचपन में नई फिल्मों के पोस्टर्स को दीवारों पर चिपकाया करते थे, और इसके साथ ही बचपन में उन्होंने मूंगफली भी बेची हैं।
और इनसे जो कमाई उनकी होती थी तो हफ्ते में यानी कि हफ्ते की लास्ट में जाकर वो उन पैसों से जलेबी खाया करते थे। और ये सब बताते हुए जैकी श्रॉफ की आंखें भी नम हो गई थी। बता दें आपको कि जैकी श्रॉफ ने अपने बचपन में कई दुख झेले हैं। जी हाँ, जानकारी के लिए आपको बता दें कि उनके भाई की जब मौत हो गई थी तब वो बेहद ही दुखी हुए थे। कहा जाता है कि जैकी के भाई चाल के असली दादा थे। जी हाँ, और वो लोगों की बेहद मदद किया करते थे। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब वो किसी को बचाने के लिए समुद्र में कूद गए और उनके भाई को तैरना नहीं आता था, लेकिन जैकी श्रॉफ उन्हें नहीं बचा पाए और वो उन्हें छोड़कर चले गए। और उसके बाद से उन्होंने तय कर लिया कि बस्ती में भलाई का ही काम करेंगे जैकी श्रॉफ, जिसके चलते आज भी जग्गू दादा के नाम से ही जाने जाते हैं। जी हाँ, जैकी श्रॉफ इतनी भलाई का काम करते हैं। वहीं बात की जाए उनके करियर की, तो आपको बता दें कि उनको जैकी का नाम किसी और ने नहीं बल्कि सुभाष घई ने ही दिया था। जी हाँ, उनका पूरा नाम जय किशन काकू भाई श्रॉफ था, जो कि घई साहब को पुराना लगा और उन्होंने बदल कर उनका नाम रख दिया जैकी। इसके अलावा अगर बात की जाए जैकी के फिल्मी सफर की, तो जैकी का फिल्मी सफर शुरू हुआ था साल 1982 में। ये फिल्म थी स्वामी दादा की फिल्म। कहा जाता है कि उस समय देवानंद की इस फिल्म की शूटिंग देखने के लिए जैकी श्रॉफ पहुंचे थे और इसी बीच में देवानंद की नज़र जैकी पर पड़ गई और उन्होंने जैकी श्रॉफ को एक छोटा सा रोल ऑफर कर दिया। और इस छोटे से रोल के बाद जैकी को एक बड़ा ऑफर मिला और ये था फिल्म हीरो का। जी हाँ, जैकी श्रॉफ की फिल्म आई थी पहली फिल्म हीरो, जिसका ऑफर मिलने के बाद उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बता दें आपको कि सुभाष घई किसी नए चेहरे की तलाश में थे और ऐसे में उन्हें जैकी मिल गई और जैकी पर जाकर उनकी ये तलाश खत्म हो गई और इस तरह से उनकी पहली फिल्म आई हीरो, जिसने बड़े पर्दे पर धमाल ही मचा दिया। इसके बाद से जैकी श्रॉफ का करियर चलता ही गया और आज तक थमा ही नहीं है। बता दें आपको कि जैकी श्रॉफ एक ऐसा नाम है जिससे कि उन्हें जितने भी बच्चे मिलते हैं उन्हें सब टाइगर का बाप ही बोलते हैं। कहा जाए तो जैकी श्रॉफ एक ऐसा नाम बन चुके हैं जिनको टाइगर के पिता के नाम से जाना जाता है, तो वहीं दूसरी ओर जग्गू दादा के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, जैकी श्रॉफ की जिंदगी ऐसी ही रही है, जहाँ एक ओर गरीबी से जूझते थे जैकी श्रॉफ, तो वहीं दूसरी ओर आज जैकी श्रॉफ इस मुकाम पर आकर खड़े हो गए हैं, जहाँ पर उनके करियर को देखना काफी दिलचस्प है। वहीं बात की जाए जैकी श्रॉफ की शादी की, तो उनकी लव स्टोरी भी काफी इंटरेस्टिंग रही है। जी हाँ, जैकी श्रॉफ की शादी कब हुई हम ये भी आपको बताते हैं। बता दें आपको कि जैकी श्रॉफ को बचपन से ही एक्टिंग का बेहद ही शौक था और ऐसे में जब उन्हें फिल्मों में काम करने का मौका मिला तो वे अब तक करीब 200 से ऊपर फिल्में बना चुके हैं। वहीं जैकी श्रॉफ की लव लाइफ की बात की जाए तो वो भी काफी दिलचस्प है। बता दें कि जैकी श्रॉफ की शादी हुई थी आयशा से। जी हाँ, जब आयशा 13 साल की थी तब स्कूल यूनिफॉर्म में बस में बैठकर जाया करती थी और उसी दौरान इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और एक दूसरे के साथ काफी टाइम भी स्पेंड करने लगे थे। ऐसे में ये लव स्टोरी आसान तो नहीं थी, क्योंकि उस समय जैकी पहले से ही किसी के प्रेम में डूबे हुए थे। ऐसे में जब उनकी गर्लफ्रेंड अमेरिका अपनी पढ़ाई पूरी करने गई तो उनके वापस आने पर उन्हें शादी करनी थी। ऐसे में आयशा ने एक दिन उनकी गर्लफ्रेंड को अपने और जैकी के प्यार के बारे में बता दिया और इसके बाद दोनों ने एक दूसरे से शादी भी कर ली। फिलहाल तो जैकी के दो बच्चे हैं, एक है बेटा जो कि टाइगर श्रॉफ है, जिन्हें कि आप अच्छे से जानते हैं, तो वहीं दूसरी ओर है उनकी बेटी कृष्णा, जो कि बॉलीवुड में एक हसीन अदाकाराओं के नाम में शामिल होती हुई नजर आती हैं। जैकी श्रॉफ बेहद ही स्टाइलिश रह चुके हैं और अब तक कई सारी फिल्मों में काम भी कर चुके हैं। तो ये थी जैकी श्रॉफ की कहानी, जो कि काफ़ी ही संघर्ष से भरी हुई थी। तो दर्शकों, देखा आपने कि कैसे जैकी श्रॉफ ने अपनी जिंदगी की शुरुआत की, अपने गरीबी के दिनों को दूर किया और वो क्या क्या काम करते थे बचपन में।
पढ़ाई करने के बाद जैकी श्रॉफ कैसे मुंबई पहुंचे थे और कैसे उनका नाम बदल गया था। जी हाँ, उनका नाम हम अपनी इस रिपोर्ट में बता चुके हैं आपको कि जैकी श्रॉफ को किस नाम से जाना जाता था पहले। जैकी श्रॉफ का असली नाम जयकिशन काकूभाई श्रॉफ था और ऐसे में उनका नाम भी बाद में बदल दिया गया। वैसे तो इंडस्ट्री में ऐसे कई स्टार्स हैं जिनके नाम बदल दिए गए थे, ऐसे में जैकी श्रॉफ को ये नाम किसी डायरेक्टर ने दिया था जो कि काफ़ी फेमस हैं। ऐसे में देखा जाए तो जैकी श्रॉफ आज भी अपनी धाक जमाए हुए हैं बॉलीवुड में, और देखा जाए तो आगे भी वो ऐसे ही नज़र आते रहेंगे हमें कई फिल्मों में। जैकी श्रॉफ अब तक कई सुपरहिट फिल्में दे चुके हैं, तो ऐसे में ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि जैकी श्रॉफ आगे कब तक इंडस्ट्री में अपनी धाक जमाए रखते हैं। सो चलिए फ्रेंड्स, फिलहाल तो हम चलते हैं। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।